देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, लेकिन एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। कोरोना आपकी आवाज तक छीन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। चीन, सिंगापुर ही नहीं बल्कि भारत के कई इलाकों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च ने सबको चिंता में डाल दिया है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से केवल स्वाद और गंध ही नहीं बल्कि गले को भी बेहद नुकसान हो सकता है, इससे आवाज भी जा सकती है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट JN.1 वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना कई प्रकार से शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है, ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहीं अपने तरह के पहले मामले में COVID-19 के कारण वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का मामला सामने आया है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स आई और आई हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना संक्रमण के कारण तंत्रिका तंत्र से संबंधित या न्यूरोपैथिक जटिलताएं भी हो सकती हैं। इसी के चलते वोकल कॉर्ड यानी कि आवाज की नली में लकवा होने का मामला सामने आया है। जर्नल पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कोरोना के कारण होने वाली इस गंभीर समस्या को लेकर सावधान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक SARS CoV-2 वायरस से संक्रमण की पुष्टि के कुछ दिनों बाद एक 15 वर्षीय किशोरी को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी और इस बच्ची में कोविड के दुष्प्रभाव के कारण उसको वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया। जांच में बच्ची के वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र में पाए जाने वाले दोनों वोकल कॉर्ड्स में दिक्कत पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक COVID-19 की शुरुआत के बाद किसी किशोरी में वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का ये पहला मामला है। हालांकि वयस्कों में इस तरह की स्थिति पहले भी देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन रोगियों के पहले से ही अस्थमा या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो रही हैं, उनमें इसका खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान ही डॉक्टर्स को न्यूरोलॉजी, मनोचिकित्सा आदि पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है और दुनिया भर के सभी देशों में फैल रहा है। कोरोना की जांच में ये भी पाया गया है कि देश में COVID-19 के सब वेरिएंट JN.1 के अभी तक 22 मामले कंफर्म हो चुके हैं। जीनोम टेस्टिंग में सामने आ रहा है कि देश में कोरोना के XBB वेरिएंट के 90% मामले सामने आ रहे हैं, जबकि JN.1 के मामले कम हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि XBB वेरिएंट और JN.1 दोनों के ही लक्षण लगभग एक समान हैं। ऐसे में ये पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि व्यक्ति कौन से वायरस से पीड़ित है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।